Now let's talk about the problems Ravi was facing. जनरली क्या होता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें पहले बोलते हैं, दे टेल अस टू लुक आफ्टर द एनिमल. जैसे कि हम कोई स्ट्रे डॉग को जैसे हम टच करते हैं तो दे स्टार्ट सेइंग ये तो डर्टी क्रिएचर है, डोंट टच इट. सो रवि को क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, रवि बता रहा था, पीपल ऑलवेज टेल अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर तो वो चिल्लाने लगते हैं, दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. And the next problem Ravi जो face कर रहा था was that it was also hard to get milk from kitchen. अब वो उसके लिए दूध भी ला नहीं पा रहा था kitchen से. Now Ravi was struggling to get milk for the cat. So now Ravi, what Ravi was trying to do is, Ravi अपनी पति से डर रहा था because grandmother उसको देख लेती है जब वो मिल्क का ग्लास लेकर आ रहा होता है. पति saw him with a glass of milk in hand and looked suspiciously. तो वो बहुत उसकी grandmother doubtfully उसको देखती है कि इतना सारा ग्लास मिल्क का क्या करेगा. सो पति उसे पूछती है कि आपने इस मिल्क को क्या करना है. सो वॉट ही डज इज वो प्रिटेंड करता है, कौन, रवि प्रिटेंड करता है दैट कि ये सारा मिल्क मैं पी लूंगा. एंड उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो और ज्यादा स्मार्ट होती है, वो कहती है अच्छा तुम पी लो एंड गिव मी द टम्बलर बैग, और पीने के बाद मुझे हाथ में टम्बलर वापस कर दो. सो उस चक्कर में ही हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क. अब उसको सारा दूध पीना पड़ता है. नाउ सो ही हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर को बुद्धू बना रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो सारा दूध पी लेगा. नाउ रवि वॉन्ट्स टू फीड द कैट, बट द मोमेंट वो जैसे ही रेफ्रिजरेटर से मिल्क निकालता है उसकी ग्रैंड मदर पति वो उसको देख लेती है एंड शी स्टार्ट आस्किंग. सो ही स्टार्ट्स प्रिटेंडिंग दैट वो सारा मिल्क पी लेगा. सो नाउ रवि वॉज थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं. रवि सेड दैट कि मैं इसे खुद क्लीन कर दूंगा. पति तो वो अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि मैं क्लीन कर दूंगा इस टम्बलर को. एंड देन पति रश्ड आउटसाइड. नाउ वॉट ही डिड, पति बाहर गया एंड ही पोर्ड द मिल्क इन द टम्बलर. Now we have to think of some other ways to feed Mahendran. तो अब महेंद्रन कौन है, who is Mahendran, said, asked मृदु. Mahendran, this is little kitty's name, Mahendran. मृदु was very impressed and surprised because it sounded like a real name, just like a real human being name. ये किसी इंसान के नाम जैसा लग रहा था. So now Ravi tells मृदु about the story behind this Mahendran name, कि किस तरीके से ये कैट का नाम Mahendran रखा गया था. Now Ravi, what Ravi does, he tells the kitten's full name is Mahendra Varma Pallava Punnai. ये कैट का नाम था. In short, you can call cat name as MP Punnai. अब रवि क्या करता है, ही स्टार्ट्स प्रेजिंग हिज कैट. वो कैसे तारीफ करता है, वो कंपैरिजन करने लगता है अपनी कैट का लायन के मेन से, लायंस मेन यानी कि नेक, मेन्स मीन नेक, द हेयर लायन हैज ऑन दी नेक, जो लायन की गर्दन पे बाल होते हैं. एंड वो कहता है कि फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये तो कैट की फाइन ब्रीड है. सो Ravi also questions Mridu about the emblems of ancient Pallava kings. अब Ravi actually अपने school trip पर Mahabalipuram गया था, which is like very funny क्योंकि वो अपनी cat को compare कर रहा होता है. और Ravi पूछता है Mridu से, haven't you been to Mahabalipuram? क्या तुम कभी Mahabalipuram गई हो? So he tells that when he last went there, जब वो गया था वहाँ पे, he saw a statue of his तथास 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 etc. So जैसे कि हम कहते हैं ना, like we generally say to say that कि ये बहुत ancient है. जैसे हम बोलते हैं ना इसकी मतलब इसके grandfather की grandfather की grandfather. So that is like ancient. So what he concluded that this cat is a descendant of Mahabalipuram Rishi cat. So fact is Ravi was trying to mention that Mahendran is a descendant from that very ancient cat. Now what happened further? Meena and Mridu exchanged looks. अब बड़ी हैरानी से Meena और Mridu एक दूसरे को देखने लगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है कैट के नेम से. So what does that have to do with anything? Mridu ने पूछा. तो रवि said, huh, I am telling this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess. Besis, yeah, that's it.
सो दिस इज वेयर ही एंडेड प्रेजिंग हिज कैट. तो वो अपनी कैट की इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा था, प्रेज कर रहा था. नाउ लेट सी वॉट हैपेंड फर्दर. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. महेंद्रन कौन? कैट. उसने बड़ी हैरानी से देख रही थी वो बिल्ली. ही वॉज शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल. अब वो अपने जो पंजे थे वो उसको शार्प कर रही थी कोकोनट शेल से, जिसमें कि वो उसको दूध देता था रवि. एक बहुत ही क्रीपिंग सी साउंड आ रही थी, क्रीच क्रीच साउंड आ रही थी. अ वियर्ड साउंडिंग केम फ्रॉम द विंडो. सो मृदु वाज स्टार्टल्ड. मृदु बहुत सरप्राइज हो गया, अमेज हो गया, स्टार्टल्ड हो गया. बट द क्रीचिंग डिड नॉट स्टॉप एंड मृदु आस्क्ड सरप्राइजिंगली, क्योंकि मृदु उनके घर पे आई हुई थी. सो शी आस्क्ड व्हाट्स द नॉइज, ये कैसी आवाज आ रही है. एंड शी सेड सडनली नॉइज आ जाती है. सो व्हाट्स द नॉइज ऑल अबाउट. सो रवि एंड एमपी पुनाई वाज आल्सो फ्राइटेड. अब रवि और एमपी पुनाई यानी कि कैट भी बहुत डर से गए. सो मृदु जस्ट आस्क्ड ये कैसी आवाज है. और इससे पहले कि रवि उसको बताता दैट दिस इज अ लल्ली हु इज प्लेइंग द वायलिन. सो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर लिसनिंग द क्रीपिंग साउंड एमपी पुनाई वाज फ्राइटेड. सो ही बाउंस ऑन अ ट्रे ऑफ रेड चिलीज. वो डर की वजह से वो छुपने की कोशिश करती है और वो ट्रिप कर जाती है उसके ऊपर रेड चिलीज, लाल मिर्चियों के ऊपर, क्योंकि वो अपने हाइड कर रही होती है. सो वो उसके ऊपर रेड चिलीज के अंदर हाइड करती है. ही हाउल्ड मिजरेबली म्याओ म्याओ. शी वॉज ट्राइंग टू हाइड. सो रवि टेल्स दैट लली इज लर्निंग टू वायलिन. लली जो है वो वायलिन लर्न कर रही है. ही कंपेयर्स मास्टर सिंगिंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली'स ट्रेन इज डीरेलिंग. कि जिस तरीके से मास्टर की सिंगिंग तो इस तरीके की है कि जैसे पटरी पे ट्रेन चलती है, लेकिन लली की जो ट्रेन है वो डीरेलिंग करती है, रेल पे आती ही नहीं है.